नमस्कार, मैं मधुमिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल स्वीट कॉम फैमिली में। आज मैं बारिश भी हो रहे तो कुछ नया सा बनाती हूँ, अच्छा भी लगेगा आप सबको। दोपहर का लंच के लिए मैंने दही जमाया था कल, जो उसको आज कढ़ी चावल बनाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, सब्जी कुछ भी सारे ख़राब हो रहे हैं। घर में दही था तो चलिए आज बनाते हैं कढ़ी चावल, जो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और यह है दही जो मैंने जमाया था, और है ये बेसन जो मेरे को पकोड़े बनाने के लिए अलग से यूज़ करना है। और ये तड़का के सामान है, लहसुन अदरक छील लिया, मिर्ची पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया और प्याज कटी हुई है, मैं 2 मीडियम साइज़ लिया था, और थोड़ा बेसन अलग से रखा, और तेल है, नमक है, बस यही आइटम चाहिए मेरे को। दही मैंने पीस लिया था, अब जो पकोड़े बनाने के लिए बेसन डाला, बेसन में थोड़ा पानी मिलाएंगे और पानी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें से जो गुठली है वो पूरा मिट जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम करना है। थोड़ा नमक डालना है और अपना स्वाद अनुसार नमक थोड़ा हाफ चम्मच बस, और थोड़ा सा जीरा डालना है, जो साबुत जीरा है वो मैंने डाला है पकौड़े के लिए, और थोड़ा मिर्ची पाउडर डालेंगे, और इसको एक घोल बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद प्याज भी डालेंगे, वो भी जो मैं कटिंग करके रख, बाकी प्याज मैं बाद में तड़के के टाइम पे यूज़ होगा मेरा। अब ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो मिर्च पाउडर है, दोनों थोड़ा मिक्स करके डाला है। अब इसका पेस्ट, जो पकौड़े का पेस्ट है, ये मेरा रेडी हो गया है। अब पकौड़े बनाना है, तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने जो कढ़ाई रख दिया, और पीस लेती हूँ जो तड़का का मसाला है, जैसे लहसुन अदरक और हरी मिर्च, ये तीनों को मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये बन गया है मेरा पेस्ट, इसको मैं तड़का के टाइम पे यूज़ करूँगी। अब मैं ये बेसन है, ये भी तड़के में जाएगा, 1 चम्मच बेसन है, ज़्यादा नहीं यूज़ करते, इसको भी थोड़ा घोल बना के रख देते हैं, ताकि जब यूज़ करें तो गुठली ना बने रहे, ये अच्छे से दही के साथ में मिक्स हो जाए, इसलिए थोड़ा पानी में भिगो के रख दिया। ये मेरा जब तक पकौड़े बन के तड़का लगाने के बाद जब ये डालूँगी मैं, तो उतने में मेरा ये रेडी हो जाएगा। मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया, तेल भी। अब मैं पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़े मैं छोटा छोटा बनाती हूँ, कोई कोई तो बड़े साइज़ का भी बनाता है, लेकिन बच्चों को भी पसंद है छोटे छोटे, और छोटा टेस्ट भी होता है बहुत। तो मेरा पकौड़े बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जो तेल बचा है, इसी में मैं तड़का लगा देती हूँ, जो मैंने सूखा साबुत मसाला डाले थे वो सारे मैं डाल दिया तेल में। तेल तो मेरा गरम पहले से ही था, क्योंकि इसी में से मैं पकौड़े निकाला था। तो फिर अब इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद अब इसमें जाएगा जो मसाला मैंने पहले, जो प्याज मैंने पहले से काट के रखा था वही डाल दिया मैं, और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको हिलाना है, ताकि प्याज का कच्चापन चले जाए। अब इसमें बस पक जाए थोड़ी सी, ज़्यादा देर नहीं, और इसमें जाएगा मेरा थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार। इसमें दही कढ़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो टेस्ट आ जाते हैं, इसमें खट्टा ही रहते हैं इसलिए नमक ज़्यादा नहीं लगता है। अब जो मसाला पीस के रखा था वो डाल दिया मैंने, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और पकाना भी है। और जीरा धनिया का पाउडर मैं कटोरी में निकाल के रखा था, 1-1 चम्मच ही है, इसको भी मैंने डाल दिया। हल्दी पाउडर डाला, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे कलर भी बहुत अच्छे से आते हैं। अब मेरा मसाला भी लगभग पक गया, क्योंकि इसमें से तेल भी छोड़ चुका है मसाला, थोड़ा डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं डालूँगी इसमें जो मैंने दही को मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट एक बना लिया था, थोड़ा पानी भी मिलाया था मैंने। अब मैं इसको अच्छे से डालूँगी, और बिल्कुल हिलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो जब दही कढ़ाई में जाता है गरम फट जाता है, इसीलिए बंद नहीं करना है, धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है। और इसमें डालूँ, इसमें जो मैंने घोल बना के रखा था बेसन का वो भी डाल दिया। अब मेरे को हिलाते रहना है, ताकि कढ़ी मेरे अच्छे से पक जाए, और जिस अब मेरा अच्छे से बॉयल भी आ गया इसमें, तो अब मैं इसको गैस को सिम कर दूँगी। और इसमें सिम करते हुए थोड़ी देर पकने से क्या होगा, जो
ऑयल है वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और करी दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर साइड साइड में आ रहे हैं और करी भी दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं पकौड़े डाल दूँगी इसमें जो मैंने पहले बना के रखे थे। अब पकौड़े डालने के मेरा गैस भी सिम करके रखा मैंने, क्योंकि नहीं तो करी जल्दी जल्दी बॉयल हो जाएगा और इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। मेरे को धीमी आंच में ही पकाना है करी, इससे ज़्यादा टेस्ट होता है। अब मेरा बन के रेडी हो गया है करी, आप देख सकते हैं। इसको बस ढक्कन लगा के रख दिया। अब मैं बना रही हूँ जीरा राइस, जो मैं आज कुकर में बनाऊँगी। चावल पहले धो के रखा था, चावल डाल दिया और जितना चावल लिया उसका डबल से भी एक कप कम मैंने पानी डाला, ताकि मेरा अच्छे से बन जाए। ये चावल भी अच्छा है और एक चम्मच घी भी डाला। घी से बहुत अच्छा खुशबू आता है चावल में, और क्या बोला इसमें जो अलग अलग भी हो जाता है। और एक चम्मच जीरा डाला, क्योंकि जीरा राइस बना रही। और थोड़ा सा इसमें करी पत्ता डाल दिया। ये चावल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है कुकर वाला, नहीं तो मैं खुले बनाती हूँ। बस हो गया, और मेरे को सीटी लगाना है। एक सीटी में मेरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाता है, ये बन के रेडी हो गया। और ये बन गया मेरा करी, आप देख सकते हैं मेरा करी आधा घंटे बाद में ऐसा है। अब ये जो बेस पकौड़ा बनाया था ये भी फूल जाते हैं जब मैं करी में डालती हूँ इसको तो, और कलर भी बहुत प्यारा सा आया है। अब बस खाने के लिए, लंच के लिए हम रेडी हो गए हैं। अब बन के रेडी हो गया मेरा करी चावल। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कुछ करते हुए जो बहुत मज़ा आए। थैंक यू।